चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ दे रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ जतेंद्र सोडी, मेरे नाल पत्रकार दीपक कुमार। सुबटाले दे विच लगातार वारदातां दे मामले वध रहे हैं, लगातार गोलियां चलण दे मामले सामने आ रहे हैं। इसी तरह बटाले तो मलावे की कोठी तो 12 साल के बच्चे सुमीत नामक एक 12 साल के बच्चे ते गोली लगण का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबक परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि बच्चे गली दे विच खेड रहे सन, एक व्यक्ति दे वल्लों गोलियां दे नाल वार कीता गया है। जेरे इलाज लई समीत नामक बच्चे नूं सिविल हस्पताल बटाला विखे लिआंदा है। सो पुलिस मामले की जांच कर रही है। सो आओ दिखाने तुहानूं लाइव तस्वीरां, सुणदे आ परिवारक मैंबरां दे जवानी और की कहना है पुलिस प्रशासन दा। देखदे रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़, जतेंद्र सोडी ते दीपक कुमार दी बटाला तों एक खास रिपोर्ट। ठीक है, तो साढ़े बच्चे छुट्टियां छट्टियां पई दी है, तो सड़क के उपर गुड्डी गड्डी लुट्टन डे ने। यह आया घरों, इन्हें अपनी पैली जी खलो के गोलियां मचलियां, तो बाकी बच्चे भज भुज गए ने। तो साढ़े बच्चे इतने लग गई लाचे लग गई 12 साल की उम्र जी। बच्चे आम गुड़ियाँ लुट्टन दे पांदा हो गए जिन्हें भी है, तो बाकी तुर तर गए ने इधर। तो साढ़े बच्चा पहले बह गया थले, उस तो बाद दूजी फिर चलाई इन्हें, दूजी इतने लत लग गई जी। ये तो सिर च लग सकती है, कितने भी लग सकती है। उन्हें तो अपना काम करता अपने वालों कि 12 साल का बच्चा, उन्हें अपना काम करता ही। हूँ साढ़े बच्चे की किस्मत चंगी है, चलो कितने गलत थाने लगी। यदा सारा कुछ यहोजे बंद असले रद्द किए जाए, ठीक है। ये दिन रात शराब पी के कि गोलियां गलियां कद कि फैल कर देता, कद कि कर देता, सारा पिन तंग है। अपा तो यो कहना चाहिए यहोजे बंद हथियार सारे तो जब्त किए जाए, ठीक है कि नहीं। चलो अज तो थोड़ी सर कि गांह के होर वध भी लग सकती है जी। रूपलाल जी, जी बटाले लगातार गोलियां चल रही हैं, की कारण है, कितने नलैकी गिनी जा रही है? गोलियां वेखो जी, तो नलैकी है पुलिस प्रशासन भी कर सकता है। ये तो हर कई चल गई, किन्नी बारी तो चल गई इतने। ये जी गोली चली है, तो हम पैली के बढ़न तो पैर गुड़ियाँ लुटते हैं। बच्चा 12 साल का बच्चा है, तो उन्होंने मतलब गुड़ियाँ तो मोड़ उन्हें भैन शराब पीती है। एक बार नहीं, दो चार पाँच बार अगे भी इन्हें चलाइया गोलियां, अगे कि लगी नहीं, इन्हों लग गई। तो बस कला कला मुंडा जरा, तो बस आ गल हुई जी। होर कोई गल कोई साड़ी दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। मेरा ठीक है, पोतरा ही लगता है। जसवंत कुमार नाम है, सत्ता महीना पिंड बड़े डैडी में। एक बच्चे सड़के फिर रहे, तो एक पैली पुल से बच्चे बढ़ी जाते, लागे माड़ा मोटा हो जाता। इन्हें अपने लैदी दनाली फड़ी है, अगे भी रोज़ यही कहता, रोज़ का काम है पैली जब जो बच्चा पढ़ता है, वह सड़ले मारता, गोलियां मारता है। हैरी 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 सिंह कुड़ीए, तो उन्हें बच्चे मारी, कि गो मारी है, उसले बह गया, तो लत्ते भज गए, पढ़ते भज गए, दूजे बच्चे भज गए, दूजे बच्चे भज गए। रोज़ का काम मेरा शराब शराब डेली बच्चे सवेर तो लैके रात मैं शराब बहुत पीती है। बच्चा 12 साल की उम्र बैठ, कारवाई की है, परचा अंदर करो, ये हथियार खोए जाने हथियार को रोज करता, रोज का काम कई बार करता है। मटर मुटर नहीं है, चलो मटर वाला काम ही है। गोली बज गई थान टिकाने बज गई, सिर से बज गई, पुल के चलाना पैली है, कि सारे पिंड सारा पिंड कोई दूगा। हाँ जी पैलियाँ तुम्हें पता छुट्टियां पे, बच्चे छड़के जाते ही नहीं, लागे कोई गुड्डा पो होता तो फड़ी लाता, कोई फड़ी जाता पैली है। किन्ने साल की उम्र? 12 साल की। नाम है? सुमित। सुमित बेटे किस तरह गोली लगी बेटे, की होया? मैं सड़क ते खलोता सी, उधर एक भाई आया, मैं गुड्डा फड़िया, भाई ने मेरे गोली मारती दूर। मैं थले होया थोड़ी सी, थले होया मैं थोड़ी जी, तो मेरे गोली लगी, लागू लगी मेरे गोली, भाई ने शराब पीती हुई सी। तेरे नाल होर भी बच्चे सी? नहीं होर नहीं, मैं कल्ला सी। अच्छा, फिर क्यों आया? मैं लागे को गोली लगी, फिर क्यों आया? गोली मेरे पीर हुई, मेरा पापा आए उधर, कहते की होया, मैं कह मेरी गोली लग गई, उन्होंने मेनू मारती गोली। पापा ने कहा कोई गल नहीं, हॉस्पिटल भेजने तेनू, गया घर। डैडी बाहर है, कहते मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਫ ਵਾਰਡ 'ਚ ਐਡਮਿਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਪੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮਿਡਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਲਾਵੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, 2 ਫਾਇਰ ਸੁਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਫਾਇਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਸਰ, ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 100% ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼।